बहुत सारे क्रीम्स, फेस वॉशेस, होम रेमेडीज यूज करने के बाद भी अगर आपके पिंपल्स अभी भी नहीं जा रहे हैं, देन यू डेफिनेटली नीड टू ट्रीट देम इंटरनली एज वेल। हम अपने पिंपल्स को बाहर से तो ट्रीट करने के हजारों उपाय दिन भर ट्राई करते रहते हैं, बट दैट इज जस्ट 30%। अगर आपको रिजल्ट 100% चाहिए तो आपको अपनी बॉडी को इंटरनली भी क्लीन करना होगा, कुछ हेल्दी हैबिट्स फॉलो करने होंगे, कुछ हेल्दी फूड हैबिट्स फॉलो करने होंगे, जो कि आपके पिंपल्स को 70% तक ठीक करने में हेल्प करेगी। ऐसी बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ें हैं जो हम अपनी डेली लाइफ में करते हैं, ये हमारी स्किन को डीपली अफेक्ट करता है, बट ये हमें पता ही नहीं है। आज के इस वीडियो में हम ऐसे ही कुछ हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जो कि आपके एक्ने को ट्रीट करने में 100% तक इफेक्टिव है। जो भी चीज़ें हम खाते हैं वो डायरेक्टली अब्जॉर्ब होकर हमारे ब्लड में जाता है, एंड व्हेन वी विल ईट ट्रैश द सेम विल गेट अब्जॉर्ब्ड इन आवर ब्लड एंड मेक इट इम्प्योर, जिसकी वजह से बहुत सारी बीमारियाँ होती हैं, पिम्पल्स होते हैं। ऐसा बोलते हैं कि पिम्पल का प्राइमरी कॉज हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एंड ये बिल्कुल सही है, पिम्पल का प्राइमरी कॉज हार्मोनल चेंजेस ही होते हैं। बट आप में से कुछ लोग ऐसा सोच रहे होंगे कि पहले भी तो हॉर्मोन्स हुआ करते थे, पहले के ज़माने के लोगों में पिंपल इतने ज़्यादा क्यों नहीं देखे जाते। द प्राइमरी रीज़न फॉर दिस इज चेंजेस इन आवर डाइट एंड हैबिट। हमारा डाइट, हमारी हैबिट्स बहुत ही ज़्यादा इफेक्ट करते हैं हमारे हॉर्मोन्स को, एंड विच इज़ वाई हमारे हॉर्मोन्स चेंज हो रहे हैं, हमारी डाइट चेंज हो रही है, एंड इसकी वजह से हमें पिंपल्स की प्रॉब्लम बढ़ती जा रही है। द सो कॉल्ड वेस्टर्न डाइट जो हमने फॉलो करना शुरू कर दिया है, पिज्ज़ाज, पास्ताज, बर्गर्स वगैरह वगैरह, इन सभी में बहुत ज़्यादा हाई अमाउंट में कार्बोहाइड्रेट्स, डेयरी, सैचुरेटेड फैट, ट्रांस फैट होता है। एक रिसर्च के अकॉर्डिंग इस तरीके का खाना हमारे बॉडी में ऐसे हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन इंक्रीज करता है जो कि हमारे ऑयल ग्लैंड्स को और भी ज़्यादा ट्रिगर करती है ऑयल प्रोड्यूस करने के लिए, एंड विच रिजल्ट्स इन एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन, एंड एक्सेसिव ऑयल प्रोडक्शन के कारण हमारे पिंपल्स की प्रॉब्लम और भी ज़्यादा बढ़ जाती है। तो सवाल उठता है कि हमें किस तरीके का खाना एक्चुअली में खाना चाहिए। इसका एक सिंपल सा जवाब है, विच इज लो ग्लाइसेमिक फूड। ग्लाइसेमिक इंडेक्स एक नंबर होता है 0 से 100 के बीच का, जो कि कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड को असाइन किया जाता है। ये नंबर हमें बताता है कि कोई भी कार्बोहाइड्रेट कंटेनिंग फूड हमारी बॉडी में जाकर के हमारे ब्लड शुगर लेवल को कितना इफेक्ट कर रहा है। अगर GI की वैल्यू कम होती है, यानी कि अगर ग्लाइसेमिक इंडेक्स की वैल्यू कम होती है किसी भी खाने की, तो वो हमारे ब्लड शुगर को काफ़ी ज़्यादा कम इफेक्ट करता है। लोअर ग्लाइसेमिक इंडेक्स वाली चीज़ें खा करके आप अपने एक्ने को सिग्निफिकेंटली कंट्रोल कर सकते हैं, जैसे कि होल ग्रेन्स खाना, यानी कि साबुत अनाज, मैदे की जगह पे गेहूं का आटा खाना, होल व्हीट ब्रेड खाना, ब्राउन राइस खाना, ऐसा खाना जिसमें जिंक एंड विटामिन ए एंड ई की मात्रा ज़्यादा होती है, वो हमारे स्किन से इन्फ्लेमेशन को कम करता है एंड साथ ही साथ में हमारे पिंपल्स को रिड्यूस करता है। ऐसे ही कुछ स्किन फ्रेंडली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स जैसे कि कैरेट्स, नट्स, स्वीट पोटैटोज, टमेटोज एंड ग्रीन एंड लीफी वेजिटेबल्स, ऐसी चीज़ें खा करके आप अपने एक्ने को सिग्निफिकेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। ये तो हो गई डाइट्स की बातें, बट ऐसी ही कुछ हमारी हैबिट्स भी हैं जो कि हमारे स्किन को बहुत डीपली अफेक्ट करती हैं, जैसे कि स्लीपिंग हैबिट। पूरी नींद ना मिल पाना एक बहुत ही बड़ा फैक्टर है एक्ने होने का, बट ऐसा क्यों? जितना ही कम हम सोते हैं उतना ही कम हमारी स्किन को रिपेयर या हील होने का टाइम मिलता है, एंड साथ ही साथ जितना ही कम हम सोते हैं उतना ही ज़्यादा हमारी स्किन से सीबम प्रोडक्शन बढ़ जाता है, जो कि हमारे पोर्स को क्लॉग कर देता है, एंड जिसकी वजह से हमारे स्किन में एक्सेसिव ब्रेकआउट्स होते हैं। एक हेल्दी स्किन पाने के लिए एडल्ट्स को एटलीस्ट 7 to 9 hours की नींद डेली लेनी चाहिए, वरना किसी भी ब्यूटी प्रोडक्ट या कॉस्मेटिक का कोई फ़ायदा नहीं है। डेयरी प्रोडक्ट्स, बहुत सारे रिसर्च में ऐसे एविडेंसेस मिले हैं कि डेयरी प्रोडक्ट्स हमारे एक्ने को और भी ज़्यादा इरिटेट करता है एंड और भी ज़्यादा बढ़ा देता है। डेयरी काउस को आर्टिफिशियल हॉर्मोन्स दिए जाते हैं उनका मिल्क प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए। जब सेम मिल्क हम कंज्यूम करते हैं तो वो आर्टिफिशियल हार्मोन्स हमारे बॉडी में एंटर करते हैं एंड ब्रेकआउट्स ट्रिगर करते हैं। ऑल्सो काउ मिल्क में कैसिन एंड वे प्रोटीन होता है, जो कि डाइजेस्ट होने के बाद ऐसे हॉर्मोन्स रिलीज करता है जो कि हमारे स्किन में ब्रेकआउट्स को और भी ज़्यादा इंक्रीज करता है। तो अगर आप भी एक्ने से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो कुछ टाइम के लिए डेयरी प्रोडक्ट्स को लीव करके ट्राई ज़रूर कर सकते हैं। हेयर हाइजीन, कई बार हम ध्यान नहीं देते बट हमारे बालों में प्रेजेंट एक्सेस ऑयल एंड डर्ट हमारे स्किन के कॉन्टैक्ट में आता है एंड एक्सेसिवली एक्ने कॉज करता है। हेयर जेल्स, स्प्रेज, ये सारे हमारे स्किन के कॉन्टैक्ट में आते हैं एंड ब्रेकआउट कॉज करते हैं। इसलिए हमारे बालों का भी क्लीन होना, साफ होना उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना हमारा फेस। तो ये थे कुछ छोटे छोटे टिप्स जो आप
रेगुलरली करके अपने एक्ने को सिग्निफिकेंटली कंट्रोल कर सकते हैं। अगर आपको ऐसे ही कुछ और टिप्स जाननी हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एंड इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डू नॉट फॉरगेट टू प्रेस द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल फॉर मोर सच इन्फॉर्मेटिव वीडियो। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय बाय।